Hello, this is Krishna Mohan and you are watching KM Talks. Today's agenda for discussion is that Western Central Railway India ka fully electrified railway network ban chuka hai. Abhi 30 March ki news hai ki Western Central Railway has fully electrified railway zone in India on March 30, 2021. After the CCRS inspection, CCRS matlab hota hai Chief Commissioner of Railway Safety Inspection. उनके इंस्पेक्शन के बाद इसको हरी झंडी मिल गई है, बिल्कुल आप फुल फ्लेज में यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेनों का आवागमन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की बात करते हैं। ठीक है, पहले टॉपिक समझने से पहले हम लोग वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के जोन को थोड़ा समझेंगे। देखिए, ऑल ओवर इंडिया में टोटल 18 जोन है और उन 18 जोन में से एक जोन है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जिसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WCR। जहां पे मैं हूँ इलाहाबाद में हूँ, यहाँ का जो रेलवे जोन है NCR और यहाँ का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में ही है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। वैसे ही वेस्ट सेंट्रल रेलवे है जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर में है और ये एग्जिस्टेंस में आया था 1 अप्रैल 2003 को, और मतलब 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, जबलपुर में है। एक बेसिक सी बात हो गई है। अब देखिए, इसको बनाया गया था सेंट्रल रेलवे से, एक सेंट्रल रेलवे का जोन अलग है, वहां से दो डिविजन को लेके और एक डिवीजन वेस्टर्न रेलवे से लेके बनाया गया था। तो सेंट्रल रेलवे से दो डिवीजन लिए गए थे, एक डिवीजन था भोपाल डिवीजन और दूसरा डिवीजन था जबलपुर डिवीजन। ठीक है, और एक वेस्टर्न रेलवे से, वेस्टर्न जोन से एक डिवीजन लिया गया था जिसका नाम है कोटा डिवीजन। तो बेसिकली यहाँ पे तीन डिवीजन है, भोपाल डिवीजन आपका है, जबलपुर डिवीजन है और सेंट्रल डिवीजन है, सॉरी कोटा डिवीजन है। द WCR जोन प्रोवाइड्स रेल रूट कवरेज टू द सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया, बेसिकली मध्य भारत में ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ इट्स रूट्स इन द स्टेट्स ऑफ, इसके जो मोस्टली रूट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि इसका जो हेडक्वार्टर है जबलपुर में है, तो मध्य प्रदेश इसका मोस्टली रूट हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश को भी टच करता है, लेकिन अगर हम 100% की बात करते हैं तो 90% मध्य प्रदेश और राजस्थान एंड 10% ऑफ उत्तर प्रदेश। अब बात आते हैं टॉपिक पे। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे हैज बिकम द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन इन इंडिया ऑन मार्च 30, 2021। ठीक है, CCRC के इंस्पेक्शन के बाद इसको एक हरी झंडी मिल गई, CCRC इन द सेंस चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ठीक है, अब देखिए, एज पर रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल, ट्रेन्स दैट विल बी पासिंग थ्रू दिस रेलवे सेक्शन कैन बी नाउ ऑपरेटेड एट अ फास्टर स्पीड। और जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनके अनुसार जो ट्रेनें, जो भी ट्रेनें इस सेक्शन से पास होंगी, जो इस रूट से पास होंगी, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के रूट से पास होंगी, तो उनकी जो वो हायर स्पीड ऑपरेट कर सकती हैं। ठीक है, मतलब 130, 140 या 160 के स्पीड से ऑपरेट कर सकती हैं, और ये स्पीड तभी आ पाती है जब वहां पे इलेक्ट्रिक, ठीक है, जो लोको होता है इलेक्ट्रिक हो जाए, लोको इन द सेंस इंजन। ठीक है, यहाँ पे लोको हम लोग इंजन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए, वेस्टर्न जोनल रेलवे का जो रूट है वो 3012 किलोमीटर का रूट है जिसपे इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क पूरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पहली बात तो ये हम लोग टेक अवे ले सकते हैं कि स्पीड, जो ट्रेन की स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी, और दूसरा टेक अवे यहाँ से है कि 3012 किलोमीटर का जो रूट है वेस्टर्न जोन का वो इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। अब आते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, मतलब ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि टाइम कम होगा, ऑब्वियसली बात है स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा, फ्यूल्स की सेविंग होगी। ठीक है, डीजल पे ट्रेनें चलती थी इससे पहले, लेकिन अब इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया तो इलेक्ट्रिक पे चलेंगे, तो यहाँ से हमारा फ्यूल बचेगा और एनवायरनमेंट भी यहाँ से क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा, कार्बन फुटप्रिंट्स की मात्रा भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए, की हाईलाइट्स आते हैं, कुछ की हाईलाइट्स मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किए हुए हैं तो उन्हीं को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। 6 की हाईलाइट्स हैं, जिससे पहला की हाईलाइट ये है, देखिए यूनियन मिनिस्टर ये भी कहा है कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन की स्पीड थी वो 4.5 टाइम्स बढ़ चुकी है। ठीक है, मतलब जिस स्पीड से इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा था, अब उस स्पीड में 4.5 टाइम्स का इजाफा हुआ है। अगर हम बात करें 2009-2014 में, तो केवल 608 किलोमीटर पर ईयर का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था रूट का, ठीक है, 608 किलोमीटर लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। लेकिन अगर 2014 से 2020 की बात करते हैं तो हम लोग वहां पे देखते हैं कि 2737 किलोमीटर का
रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे वही काम उन्होंने कि 4.5 टाइम बढ़ गया इलेक्ट्रिफिकेशन, 2009 से 2014 तक मात्र 608 किलोमीटर का लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा था, वही 2014 से 2020 की बात करते हैं तो वहां पे 2773 किलोमीटर का लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है। देखिए गवर्नमेंट का यहाँ पे अभी टारगेट है कि द मिनिस्ट्री हैज बीन टारगेटिंग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ब्रॉड गॉज रेलवे नेटवर्क बाय दिसंबर 2023। यहाँ पे ब्रॉड गॉज आ रहा होगा, ये डिफरेंट टॉपिक फॉर डिफरेंट डे हो जाएगा। अगर हम गॉज की बात करने लगे तो बस इतना ध्यान रखिए, नैरो गॉज होता है, एक ब्रॉड गॉज होता है, एक स्मॉल गॉज होता है। जो ब्रॉड गॉज होता है सबसे बड़ी लाइन होती है, उसको हम लोग इलेक्ट्रीफाई कर देंगे कब तक, दिसंबर 2023 तक। ठीक है, दो ये टारगेट है इंडियन गवर्नमेंट का और रेलवे मिनिस्ट्री का कि ब्रॉड गॉज के रेलवे नेटवर्क को हम लोग दिसंबर 2023 तक पूरी क्या करेंगे, इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। द स्पीड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू लाइन्स गॉज कन्वर्सन एज वेल एज डबलिंग हैज ऑल्सो इंक्रीज, जैसे कि नई लाइन्स का कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, गॉज कन्वर्सन भी हो रहा है और डबलिंग, जो लाइन डबल नहीं करते मतलब सिंगल डबल रूट एक तरफ से जा रही है एक तरफ से आ रही है उसको डबल बोलते हैं हम लोग, ये भी इंक्रीज हो रहा है, 70% इंक्रीज हो गया फ्रॉम, देखिए पहले क्या होता था 2009 से 2014 की बात करते हैं तो केवल 1520 किलोमीटर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन होता था, कोई भी गॉज कन्वर्जन होता था, कोई भी डबलिंग लाइन की डबलिंग होती थी, वो बढ़ चुकी है 70%। 1520 किलोमीटर से 2014 तक 1520 किलोमीटर था केवल, लेकिन 2014 से 2020 तक ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइन है गॉज कन्वर्जन है एज वेल एज डबलिंग वो इंक्रीज कर दी गई है 2625 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, एग्जाम में वैसे इतना नहीं पूछेगा लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारा अगला जो टॉप पॉइंट है द स्पीड ऑफ द फ्राइट ट्रेन सर्विसेज, फ्राइट इन द सेंस जो गुड्स ट्रेनेड होती हैं, जो गुड्स ट्रेनें होती हैं मालगाड़ी जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जो सामान को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, उनकी स्पीड में इजाफा हुआ है। वो 2020 पहले 23 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलती थी लेकिन अब वो 2020-2021 से वो 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलेंगी जब से ये क्या हो गया है इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा ईस्टर्न रेलवे को भी कवर कर रहे हैं क्योंकि 2020 में 2021 की शुरुआत में ही ईस्टर्न रेलवे में भी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है लेकिन पूरा इलेक्ट्रिफाइड नहीं हुआ है। तो वहां पे मिनिस्ट्री क्या कहना है, एज पर द रेलवे मिनिस्ट्री द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रेल एज वेल एज हेल्प इन मिनिमाइजिंग द कार्बन फुटप्रिंट इन द एनवायरमेंट। अगर वहां पे भी इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो जाता है तो वहां पे भी ट्रेनों की स्पीड पे इजाफा हो जाएगा और कार्बन तो बचेगा ही, सॉरी कार्बन करो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट होगा और कार्बन फुटप्रिंट्स को भी हम लोग कम कर सकते हैं। यहाँ पे एक एस्टिमेट गवर्नमेंट दिया है, ड्यूरिंग 2014-2020 इन द ईस्टर्न रेलवे जोन द नेशनल ट्रांसपोर्टर वॉज इन्वेस्टेड RS 19,811 करोड़ ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स, जो 19,811 करोड़ केवल ईस्टर्न रेलवे के जोन के केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए गए थे, वाइल 703 करोड़ वॉज ऑन द पैसेंजर एमिनिटीज। एमिनिटीज इन द सेंस पैसेंजर की सुविधा बैठने के लिए, उनके लिए पीने का पानी, उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट कराना, उनके लिए वेटिंग रूम अरेंज कराना, ठीक है मतलब उसको एमिनिटीज के लिस्ट में आते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक छोटा सा टॉपिक था, सिंपल एंड क्रिस्टल मैंने आपको पूरा समझा दिया, समझाने की कोशिश की, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग या फिर इंफॉर्मेटिव न्यूज़ हम लोग आप तक पहुँचाते रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, नमस्कार।